नमस्कार। प्रभात खबर डॉट कॉम पहली बार अपने न्यूज रूम से निकलकर आप सबके बीच लाइव है। आज हम बात करेंगे भविष्य की। भविष्य से मेरा मतलब है छात्र, युवा। जब इस देश का भविष्य सड़क पर निकलकर आंदोलन कर रहा हो, लाठियां खा रहा हो, भूख हड़ताल पर बैठा हो, तो चिंता होती है। और शायद इसी चिंता ने हमें न्यूज रूम से निकालकर सड़क पर ला दिया है। पूरे देश में इस वक्त छात्र आंदोलन उफान पर है। कहीं सीट कटौती को लेकर बवाल मचा है, तो झारखंड में जेपीएससी की नीतियों के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। एक छात्र जब सरकारी नौकरी का सपना देखता है, तो इस सपने के पीछे कई उम्मीदें जुड़ी होती हैं, परिवार की आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। और जब ये सपना टूटता है, तो उस छात्र का सिर्फ सपना नहीं टूटता, उसके साथ साथ परिवार की उम्मीदें और आकांक्षाएं भी टूटती। आखिर क्या कारण है कि छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए भी सफल नहीं हो रहे? आइए हम बात करते हैं आज इस पर। हमारे साथ जेपीएससी की तैयारी कर रहे बहुत सारे छात्र हैं, जो अपनी बात आपके सामने लाइव रखेंगे, और इस चर्चा में आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हैशटैग कीजिए जेपीएससी स्टूडेंट मूवमेंट और हमें अपने सवाल भेजिए, हम आपके सवाल को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, आप कैसे जुड़े हैं और आपके आंदोलन की दिशा क्या है, क्या आप लोग चाहते हैं? मैं छात्र नेता मनोज कुमार हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसके पहले जेपीएससी में मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक गया हूँ, लेकिन जेपीएससी के कारनामे जो है सर्वविदित है। पहला जेपीएससी व दूसरा जेपीएससी और जितने भी लेक्चरशिप के जो भी वहा हुए हैं, वो 17 कंपटीशन की सीबीआई जांच चल रही है। यहाँ पर क्या होता है कि नए नए तरीके से यहाँ खरीद फरोख्त होता है, पैसे और पैरवी के बदौलत जो है सो यहाँ पर पढ़ाई लड़का पढ़ लिख करके यहाँ नौकरी नहीं पाता है, पैसे और पैरवी के बदौलत जो है सो इसमें नौकरी पाता है। इसमें सारे लोग शामिल हैं, जिसकी की बात इसके पहले सीबीआई ने कर चुकी है, कौन कौन सारे नेता लोग शामिल हैं, कौन नेता के रिश्तेदार शामिल हैं, वो सारी बातों को चर्चा हो चुका है। अभी जो छठी जेपीएससी है, अभी जो पीटी का रिजल्ट आया है, ये कहाँ का न्याय है कि 280 नंबर लाने वाले और वह फेल है, और 206 नंबर लाने वाले पास है। जब सरकार यहाँ पर जो है एसटी एससी ओबीसी जो कि 50% अनरिजर्व है, वो अनरिजर्व में एसटी एससी ओबीसी अगर यदि 206 लाता तो उन लोगों को अनरिजर्व में पास किया जाना चाहिए था, लेकिन वो सरकार वो भी नहीं करती है। वो ऊपर से क्या बोलती है कि हम पीटी में रिजर्वेशन नहीं देंगे। मैं रिजर्वेशन अगर यदि पीटी में रिजर्वेशन नहीं भी दिया जाता तो पर भी कम से कम 206 से जो मेरिट लिस्ट बना है उसमें 280 नंबर वाले फेल नहीं होते, 250 नंबर वाले फेल नहीं होते, 262 नंबर वाले फेल नहीं होते, लेकिन एक साजिश के तहत जो है उन लड़कों तेज लड़कों को यहाँ से झारखंडियों को बाहर करने के लिए ये रचा गया है नया षड्यंत्र। और बाहरियों को जो 206 आप ही बताइए, जो झारखंडी 280 नंबर ले आया है तो उसको पास करना चाहिए कि जो 206 नंबर बाहरी लाया उसको पास करना चाहिए? ये पूरी तरह से झारखंडियों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाहरी लोगों का लॉबिंग चल रहा है, और लॉबिंग के कारण जो है सो बाहरियों को पैसे पर भी, झारखंडी के पास पैसा है नहीं तो वो पैसा कहाँ से देंगे? आप बताइए, शिक्षक नियुक्ति हो रहा है, शिक्षक नियुक्ति में पहले दो हाईस्कूल की परीक्षा हो चुकी है, जैक ने लिया, जेपीएससी ने लिया, लेकिन वहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन एक नया नियम बनाया, डीयू का सिलेबस यहाँ पर लागू करता है, बीएचयू का सिलेबस यहाँ पर लागू किया जाता है। आप ही बताइए, हिस्ट्री के साथ में पॉलिटिक्स को रखना कोई जरूरी नहीं है। हिस्ट्री जो है सो इसमें बोला गया कि हिस्ट्री जो वही लड़का हाई स्कूल का फॉर्म भरेगा हिस्ट्री से जिसका पॉलिटिक्स सब्सिडरी में होना चाहिए। आप ही बताइए, जो मैं ऑनर्स में पूरे 5 यूनिवर्सिटी झारखंड में, 5 यूनिवर्सिटी में जो है ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप जो है तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिक्स रखिए, इकोनॉमिक्स रखिए, ज्योग्राफी रखिए, सोशियोलॉजी रखिए। हम लोग स्वतंत्र हैं,
लेकिन अभी जो परीक्षा देने की बारी आई तो ये बोलता है हिस्ट्री के साथ पॉलिटी होना अनिवार्य है। ये झारखंडियों को बाहर करने के लिए साजिश किया जा रहा है ताकि बाहरी युवा सिलेबस हिस्ट्री के साथ पॉलिटी, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी। मैं बता पूछना चाहता हूँ कि आप इतिहास का यदि शिक्षक लेना चाहते हैं तो मैं इतिहास में हूँ, ऑनर्स इतिहास से किया हूँ, मेरा PhD होना हुआ इतिहास से है। जो भी आप यहाँ बोलते हैं मैं पूरा करता हूँ, तो मुझे इतिहास का युवा शिक्षक बनाइएगा। ये पॉलिटिक होना क्या जरूरी है? यहाँ सभी विभाग अलग हैं, 5 यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ इतिहास के साथ नागरिक साथ पढ़ाई। अच्छा एक बात बताइए, क्या सरकार बदलने से नीतियाँ बदलती हैं या फिर विद्यार्थी के लिए वही हाल हमेशा रहता है, सरकार बदलती है लेकिन आपके हाल नहीं? आपको बता रहे हैं सरकार बदलने के बाद में यहाँ नीतियां तो दूर बात रहेगी, रिजल्ट बदल जाता है। हाई स्कूल का रिजल्ट आया था, मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल रिजल्ट जो शिक्षक नियुक्ति में, उसमें बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट और JMM की गवर्नमेंट थी तो वहां पर जो लड़के पास किए थे जो वो अक्टूबर में रिजल्ट आया था, और जब फिर अप्रैल में रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट आया और उसमें से 500 लड़के गायब हो गए, पहले जो पास किए थे उनको फेल कर दिया गया। पैसे और परिवे के बदौलत पहले पास जो है सो अब फेल कर दिए गए। आप सब उसी से आंकड़ा और अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार बदलने से सिर्फ नीतियां नहीं रिजल्ट बदल जाता है, पैसे और परिवे के बदौलत। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से अधिकारी हावी है हमारे नेता मंत्री पर, और यहाँ पर अधिकारी कुछ चलने नहीं देते हैं। और जो भी कुछ जो भी आप अखबार में पढ़े होंगे, शिक्षा मंत्री कह रही है कि वह शिक्षा सचिव नहीं सुनते हैं, ये नहीं हुआ है वो है, मैं बता रहा हूँ हम लोग ज्यादा नंबर लाए हैं। मुझे रिजर्वेशन नहीं भी दिया जाता तो मैं टॉप लिस्ट में हूँ, मेरा रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। और हम लोग इसके लिए 12 तारीख को ये पूरे झारखंड से ये लड़के आ रहे हैं। जैक में जितनी बहाली गड़बड़ी हो रही है, JPSC में जो गड़बड़ी हुई है, और JSSC जो शिक्षक नियुक्ति में घोटाला कर रहा है, इन सारे के विरोध में हम लोग जो है 12 तारीख को शहीद निर्मल महतो चौक जेल मोड़ पर जो है सो विराट धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि इतिहास के साथ पॉलिटिकल साइंस होना जरूरी है, फिर बायोलॉजी सब्सिडरी में रहना जरूरी है, तो ये नीति तो पहले लागू नहीं है, शिक्षा नीति अलग है यहाँ की। हाँ ठीक है, तो अगर शिक्षा नीति अलग है तो फिर ये ऐसा क्यों है कि इस तरह के विषय जो यहाँ पहले से लागू नहीं है उस तरह के चीजें रोड़ी जा रही हैं? इसलिए ऐसा किया जा रहा था, ये कुल मिलाकर के सिलेक्शन नहीं, ये रिजेक्शन करना चाहती है सरकार। पहले ही हमारे झारखंडी छात्रों को ऐसा कर देंगे। यहाँ पर तो है सर कि आप एक ऑनर्स का पेपर पढ़ना चाहिए, ऑनर्स में जो पहले ये नियम बनाए थे फिर आंदोलन किए, इन्होंने हटाया। पहले बोला था कि आपको सब्सिडरी में भी 45% लाना कंपलसरी है, जबकि यहाँ के किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं था। जब मैंने इसको, उन्होंने बोला निगेटिव मार्किंग रहेगा, जब मैंने इसका विरोध किया तो यहाँ पर उसको वापस लिया, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वापस नहीं ले रहा है। मेरा पूरा दावा है कि ये जो लोग पूरे साजिश के तहत पूरा सीट बेचने का प्लान। अच्छा यहाँ पे और कोई है क्या जो 2-3 बार परीक्षा दिए हों और ऐसी नीतियों की वजह से? परीक्षा अजय जी, आप अपना अनुभव बताइए कि आपके साथ क्या हुआ और किस तरह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा नीतियों की वजह से। सबसे पहले तो जो सरकार की जो नीतियां हैं मुझे उसको थोड़ा संक्षेप में बताना पड़ेगा। यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरह से संघवाद से पोषित, संघवाद द्वारा पोषित यहाँ की भाजपा की सरकार है। नहीं एक चीज मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप जब ये कह रहे हैं मनोज जी की सरकारें बदलती हैं तो रिजल्ट बदल जाता है, क्यों नहीं बदलता, उसी पे मैं आ रहा हूँ। संघवाद द्वारा जो पोषित यहाँ की भाजपा की सरकार है, संघवाद का एक एजेंडा है, उस एजेंडे में है कि वर्षों से जो लोग यहाँ पे दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनको दबा ही रहने दिया जाए, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। लेकिन आज जब समाज की एक मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से कठिन मेहनत से जब ये आगे आ रहे हैं, तो ये चीजें तथा कथित कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग है जो वर्षों से शोषण करते आए हैं, वो नहीं चाहते, इसलिए अलग अलग नीतियां बना के इस राज्य में क्या है, बाहर के अधिकारी आके यहाँ पे शासन कर रहे हैं, वो नीतियां जैसे JPSC में आरक्षण के माध्यम से, आरक्षण को गलत ढंग से डिफाइन करते हुए 280 नंबर लाने वाले यहाँ के जो लोकल थे उसको फेल किया गया, और 206 नंबर लाने वाले बाहर के जो लोग थे उनको पास किया गया। उसी तरह से हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में विषय बाध्यता, जानते थे कि विषय बाध्यता यहाँ पे नहीं है,
विषय बाध्यता को यहाँ पर जबरदस्ती थोपा गया ताकि यहाँ के बच्चे जो है वो फॉर्म ही नहीं भर पाए, इसलिए उनको बाहर किया गया। जेटेट में आरक्षण को अलग ढंग से व्याख्या किया गया और बाहर के लोगों को यहाँ आरक्षण देकर के घुसपैठ कराने का प्रयास किया गया। ये सारे काम यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं और वो लोग बाहर के हैं, वो लोग तथाकथित एक किसी खास वर्ग से आते हैं। और आज की बात नहीं है, ये संघर्ष तो वर्षों से चलते आ रहा है। आज वो नीतियां बदल रहे हैं, नीतियों के माध्यम से यहाँ शोषण कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बाहर से चुनकर आए हैं वही नीतियां बना रहे बाहरों की? बिल्कुल, जो बाहर से आए हैं वो बाहर वालों की नीतियां बना रहे हैं और यहाँ के लोग दबा रहे हैं। हम उनसे मेरिट में ज्यादा नंबर ला रहे हैं, हम उनसे मेरिट में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नीतियों से, चाहे JSSC हो, चाहे JTET हो, चाहे JPSC हो, तीनों में अलग अलग नीतियां बनती है और यहाँ के लोगों का छटनी किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कोई है जिसने पहली बार परीक्षा दी? जी, पहली बार। तो पहली बार आप परीक्षा दे रहे हैं और ये सब चीज पहले से चल रहा है, तो हिम्मत टूटता है कहीं कि इस पे आए कि कुछ और कर लें? बिल्कुल हिम्मत तो टूटता ही है, बिल्कुल हिम्मत टूटता है। तो आप जब JPSC चुन रहे थे या जब सोच रहे होंगे कि हम ये तैयारी करेंगे, तो आप देख रहे होंगे इतिहास अब तक 2000 से लेकर अभी? जी, मेरा भाई पीड़ित है इससे। अच्छा, ठीक है। लास्ट टाइम बहुत बढ़िया मेंस में मार्क्स लाने के बावजूद भी उसको इंटरव्यू में ऐसा मार्क्स दिया गया कि वो मेंस के लिए सिलेक्शन ना हो, ऐसा हुआ है मेरे भाई के साथ। तो आपके भाई ने आपको रोका नहीं कि मैं तो पहले से पीड़ित हूँ, तुम क्यों जा रहे? नहीं, मुझे भी शौक है कि मैं भी एक बार देखूँ, शायद नेक्स्ट टाइम कुछ नीतियाँ या पॉलिसी बदल जाए, तो इसी वजह से मैं आया, चूंकि BJP गवर्नमेंट आई थी तो उम्मीद जगा था कि शायद। अच्छा, किसी ने अपने भाई या किसी को रोका हो कि मत करो JPSC की तैयारी, बेकार है क्योंकि हमारे साथ वो हो रहा है, तो तुम अपना वर्ष? मैं आपने रोका? मैं अपने वो सीधा बात बोला कि जो भी मैं प्राइवेट बिजनेस के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट बिजनेस करवाऊंगा या जो भी करवाऊंगा, लेकिन एक आपको बताते, एक JPSC परीक्षा कंडक्ट होने में 5 साल लगता है। आप ही देखिए कि 2000 में अलग हुआ और 2017 हो गया, मात्र 5 परीक्षाएं अभी तक वह कंप्लीट हुई है, छठी की हो गई, आने की 4 साल 3 साल एक परीक्षा होने में लगता है और उसके बाद इतनी धांधली होती है, तो आप ही बताइए 17 साल 18 साल कौन अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा। और यहाँ जो भी पढ़ाई, जैसे ही रिजल्ट निकलता है वैसे ही फिर कोर्ट हो जाता है, कोर्ट होता है फिर से जो है सो आंदोलन होता है, और इस प्रकार से अपने बच्चों को जो है सो हम सिक्योर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में, ऐसी स्थिति में मैं इंजीनियरिंग कराऊंगा, मेडिकल कराऊंगा, दुनिया का जो दूसरा चीज करूंगा, लेकिन JPSC की तैयारी कम से कम मैं नहीं करवाऊंगा। और जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जिस प्रकार की नीति बना रही है, जो कि नौकरी लगने के बाद कब चली जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये है परिचय भी देंगे। ये दिलीप जी हैं जो शिक्षक नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि JPSC तो हम समझ ही रहे हैं, है ना, इसके साथ साथ और लोगों को क्या क्या समस्या। शिक्षा नियुक्ति जो अभी फिलहाल निकाली गई है हम लोग को वैकेंसी, इससे पहले 2008 में एग्जाम हुई, 2013 का वैकेंसी, 2013 में एग्जाम हुई, 15 में क्लियर, ठीक है। अच्छा, वो जो नियुक्ति पत्र मिला अभी जो यहीं पे रांची कॉलेज के पास बटा आर्यभट्ट, वो किस सरकार ने कंडक्ट किया था और बांटा किसने? मतलब वो पुराना परीक्षा था? पुराना परीक्षा। तो क्या नई सरकार ने कोई नियुक्ति निकाली है? कोई हाई स्कूल नियुक्ति निकाली है ना अभी, तो पुरानी नियुक्ति जो हुई उसमें सब्जेक्ट कमांड नहीं थी हिस्ट्री की, मैं खुद एग्जाम में फेल हुआ था 2013 में। कितने नंबर के लिए पूछा? मेरा उसमें ऐसा सिलेक्शन ही हुआ कि मेरा 182 था, ठीक है, और हिस्ट्री में हाईएस्ट 284 नंबर गया है। अच्छा, ठीक ना, तो 100 नंबर के पीछे तो रह गया, हाईएस्ट गया था, और OBC को उठाया था 246 में, 300 के एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम होती है और 284 आप देते हैं। पूरे भारत के जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट है ना इतिहास में, उनका अगर उठा के देखा जाए तो उनका 94% या 95% नंबर नहीं दी जाती है, 90% नंबर नहीं रहती है, तो आपका हाई स्कूल में क्या वो लिख दिया कि आप 90% नंबर दिए टॉपर को? ये तो सीधी सी बात घोटाला है ना, जब गोल्ड मेडलिस्ट लोग नहीं आ पाता है तो अभी अब ऐसा कर दिए हैं कि यहाँ का जो शिक्षक नियुक्ति हुई प्रक्रिया, आप एग्जाम लिए उस समय सब्जेक्टिव एग्जाम था, 12 क्वेश्चन लिखना था, 24 टॉपिक,
24 टॉपिक में 12 क्वेश्चन आप कैसे क्या लिख दिया कि 284 नंबर आप दे रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट बना उसको नहीं ले पाया। और अभी जो प्रक्रिया किया, अभी क्या किया है, यूपी में पास कोर्स जैसी क्लास पढ़ाई होती है, उड़ीसा में पास कोर्स होती है, छत्तीसगढ़ में पास कोर्स होती है। हमारे मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, हमारे है शिक्षा मंत्री यूपी के, और हमारे है शिक्षा सचिव उड़ीसा के। तो ये लोग का लॉबी है कि बाहर के स्टूडेंट को लाए और यहाँ के स्टूडेंट को बाहर करें। यहाँ ऑनर्स बेसिस पढ़ाई होती है, सबसी को जोड़ दिया गया। सबसी में 16 सब्जेक्ट होती है आर्ट्स पेपर, 16 में से किन्हीं दो का इच्छुक अनुसार रखना होता है, अपना इच्छा अनुसार, जो हम लोग ने रखा। जो रांची यूनिवर्सिटी उस समय हमको क्यों नहीं बोली कि जब हमको कोर्स करा रहे थे, हम 5 साल पहले 10 साल पहले हम ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हैं, उस समय बोलते कि हिस्ट्री के साथ पोलिटिकल रखो, हम लोग रखते वो बाध्यता खत्म। अभी जो कर दी है कम्बाइन करके, तो हम लोग इसमें तो सीधे झारखंड के 90% बच्चे बाहर हो जा रहे, सीधी सी बात है। अब अभी जो स्थानीय नीति लागू किया है शिक्षक नियुक्ति में, जिला वार नियुक्ति कर रहे, झारखंड के बच्चों को आप गैर अनुसूचित जिला, मतलब जो अनुसूचित जिला है उसको फॉर्म भरने नहीं दे रहे, और गैर अनुसूचित जिला है उसको पूरा भारत के निवासी बुला रहे। ये कौन सा नियम, एक राज्य है दो नीति। यहाँ पर सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि ये स्थानीय नीति जो है ना, खुद ही झारखंड को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए सरकार ऐसा नीति बना रही है। आप ही बताइए, 13 जिला के लिए जिलावासी, यानी एक जिला वाला दूसरा जिला से नहीं भर सकता, और 11 जिला के लिए भारतवासी। सरकार अपने ही, उनके पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये बोलती है। मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि दूसरा जिला नहीं भर सकते हैं, तो बोल चुके ही ये जो शिक्षक बहाली है वो जिला स्तरीय नियोजन है, जिला के ही लोग भरेंगे। तो मेरा कहना है कि जब जिला स्तरीय नियोजन है तो उसी जिला का भरेगा, तो 11 जिला में भारतवासी कैसे हो गया, दूसरा राज्य बोला क्यों भाई। जो जिला स्तरीय नियोजन है तो उस जिले में भी तो लागू होना चाहिए। तो ये 13 जिला के लिए जिलावासी और 11 जिला के लिए भारत वही है, ये कुल मिलाकर के 11 जिला में जो है बांटा कैसे गया, अनुसूचित क्षेत्र और जो 13 और 11 जो है 100 अनुसूचित क्षेत्र को रखा है, और वह 11 को गैर अनुसूचित क्षेत्र में। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में जो बांटा गया है वो किस आधार पर है, जनसंख्या के? अरे इसका अपना मन चला है, जो जिसका मन किया है उसके आधार से बांटा है। औद्योगिक क्षेत्र है झारखंड में, सबसे पहले अगर कहीं उद्योग लगा था 1907 में, आप देखिए टाटा का वहां पे लगा। वो औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद, शहरी जनसंख्या होने के बाद, जनरल की जनसंख्या ज्यादा होने के बाद भी उसको आप अनुसूचित क्षेत्र में रखते हैं। इससे सीधा पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो आकलन किया गया, जो पैमाना बनाया गया है गैर अनुसूचित और अनुसूचित, वो मनमाने तरीके से बनाया गया, उसमें किसी भी तरह का कोई एक स्पेसिफिक आधार नहीं रखा गया है कि ये चीजें अगर है तो उनको गैर अनुसूचित में रखा जाएगा, और ये चीजें उनको अनुसूचित में रखा जाएगा। ये पूरा का पूरा प्री प्लानिंग है, और ये पूरा का पूरा बाहरी लोगों को मतलब मनमाने तरीके से घुसाने का ये मतलब कहा जा सकता है कि षड्यंत्र बहुत बड़ा। तो ये आंदोलन आपका तो बहुत पहले से आप लोगों का चल रहा है आंदोलन, है ना? तो नहीं, महीने जब जब गड़बड़िया होती है तो छात्र, इसलिए मैंने उसे पहले से जोड़ा है। तो आपको उसका कोई परिणाम अब तक मिला है क्या, या किसी कोई आश्वासन के बगैर इस आंदोलन में नहीं, अब तक के कोई भी आंदोलन में कुछ सफलता मिली है? आंदोलन का ही परिणाम है कि जो 12 नियुक्तियां जेपीएससी के माध्यम से शुरू में की गई, खुलेआम बेचा गया था, उस पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। हाँ नहीं, इसमें बस सुप्रीम कोर्ट से जो है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब इसके जो जांच चलेगी इसका मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट पहले वो कर रही थी, तो नहीं अब मैं सुप्रीम कोर्ट ही मॉनिटरिंग करेगी, और कोई भी बक्से नहीं जाएंगे। इसलिए वो 12 सारे जितने भी वो नियुक्ति में जो घोटाला हुआ था उसकी सीबीआई जांच जो बंद हो गई थी, और यहां तक कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो 3 महीना के लिए हाई कोर्ट ने जितने नियुक्ति में जो लोग वहां शामिल थे, जो मतलब कि जैसा कि लगा जो गैर कानूनी ढंग से पहुंच गए थे, उनको 3 महीना के लिए लीव विदाउट पे में भेज दिया गया था, नो पेमेंट में भेज दिया गया था, और तब जो है रिलीफ मिला था जाकर के सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दिया है, और उसकी मॉनिटरिंग भी हमारा हुआ सुप्रीम कोर्ट ही। अच्छा, फिलहाल जो 12 तारीख परीक्षा हो रही है, 12 तारीख आंदोलन, अभी जो परीक्षा होना है
अभी कोई परीक्षा कहाँ, कोई परीक्षा नहीं, कोई परीक्षा नहीं यहाँ, कोई परीक्षा नहीं होगी जब तक सरकार अपनी नीतियों को ठीक नहीं करती है। आप लोग परीक्षा का विरोध करो, बिल्कुल परीक्षा का परीक्षा ही नहीं हो रही है यहाँ, किसी तरह की परीक्षा नहीं हो रही है। 11 जिला 13 जिला सीधा बात है, 11 जिला 13 जिला जो 2 स्थानीय नीति बनी है हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जेपीएससी में अधिक नंबर लाने वाले फेल हैं और कम नंबर वाले पास हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और जेएसएससी के द्वारा जो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति ली जा रही है, 2 विषयों की बाध्यता जोर की है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हिस्ट्री के साथ पॉलिटी और केमिस्ट्री के साथ बायो, मैथ के साथ फिजिक्स, ये नहीं चलेगा। 2 स्थानीय नीति नहीं चलेगा, अधिक नंबर वाले पास होंगे, मेरिट वाले पास होंगे, कम नंबर वाले बाहरी लोग को यहाँ घुसने नहीं देंगे, इसका विरोध। जब तक ये सुधार नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। हम लोग को सारे एग्जाम से मिलना चाहिए, पीटी में मिलना चाहिए और मेंस में मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो आबादी है BC1 BC2 का लगभग 55% के आसपास है और हमें आरक्षण दिया जाता है 14%, वो भी वास्तविकता में 14% होता नहीं है, वो 8 से 10% के आसपास रहता है हमारा आरक्षण। और उस समय पीटी में हमको क्या किया जाता है, हमारे जो हम कैंडिडेट्स होते हैं एग्जाम देने के लिए लगभग 50 से 55%, अभी जेपीएससी का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लगभग 74,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे जिसमें BC1 BC2 के लगभग 50,000 होंगे और रिजल्ट हमारा BC1 BC2 में सीट, चूंकि हमारे 23 सीट है, BC1 में 21 और BC2 में 2, दोनों मिला के 23 गुना 15 करके रिजल्ट निकाल करके बाकी लोगों को बाहर भेज दिया गया है। और सरकार कहती है कि हमारा जो रिजल्ट निकला है वो फेयर निकला है, इसको हम लोग सिरे से खारिज करते हैं और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि पीटी में भी आरक्षण दे हो, जो भी मिनिमम कट ऑफ बनेगा उस मिनिमम कट ऑफ से ऊपर जितने भी लोग जाएंगे वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे, हम लोग इसी का मांग कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह का रिजल्ट बने। आप लोगों के ना आरक्षण का आप लोगों को नुकसान ही हुआ है, आरक्षण दिया ही नहीं, आपने भर दिया कि हाँ हमको आरक्षण चाहिए, सरकार खुद दे, आप ही बताइए। उसके बाद जो आप लोग आरक्षण के बाहर भी आप लोग अगर जो उसका आहर्ता है उसको पूरा कर रहे थे फिर भी बाहर उसको बाहर कर दिया, मतलब आपकी गलती हुई कि आपने आरक्षण मांगी? नहीं मांगा नहीं। भवानी सिंह वर्सेस काव्या केस है जिसमें अनरिजर्व को डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से, उसमें अनरिजर्व में उनसे साफ लिखा है कि अनरिजर्व के लिए वो सब एलिजिबल होंगे जो कि ST है, SC है, OBC है, जो उस मेरिट में अनरिजर्व के इक्वल नंबर लाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी उल्लंघन किया है, अनरिजर्व में जो लड़के 2 से 6 नंबर से एवं आए हैं उसको आपको पास करना था, लेकिन आप उसको फेल कर दिए हो, चाहे वो ST हो, SC हो, चाहे OBC हो, तो आप कोर्ट का भी आदेश को कहां मान रहे हो, संविधान को भी। और जब रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण हम लेकर रहेंगे, आरक्षण हम आते तो आरक्षण लेंगे संविधान में। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री ने जो कहा है कल स्टेटमेंट में कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, अगर आरक्षण नहीं होता तो वो खुद यहाँ नहीं होते, आज वो पद पे जो पहुंच गए हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये कुल मिला के संघवाद है, संघवाद द्वारा पोषित भाजपा है और भाजपा वही संघवाद की भाषा ये बोल रहे हैं और वो संघवाद अब यहाँ पे नहीं चल रहे। सबसे बड़ी बात है कि हमारा कहना कि ये जो आप जब आप ही बताइए मैच के दौरान, मैच के पहले डिसीजन हो जाता है कि क्या क्या नियम कानून होगा, मैच खेलने के दौरान वह नियम नहीं बनते हैं, ये मैच खेलने के दौरान नियम बनाता है, आप ही बताए ये रिजल्ट आ गया उसके बाद बोलता है कि सर्वविदित हो कि पीटी में रिजर्वेशन नहीं था, तो ये चीज जो है पीटी में रिजर्वेशन नहीं था तो फॉर्म भरने में आपको क्यों पूछा गया, आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं, आप ही बताइए इसमें कौन सा, इसीलिए क्योंकि हम लोगों को बाहर किया जा सके, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि अभी समय रहते मुख्यमंत्री महोदय अनुरोध कर रहा हूं कि झारखंड के छात्र आप ही के बच्चे हैं, आप ही के बेटे, आप ही के भाई हैं, आप ही की बेटी है, सबको ही है, अभी भी समय रहते जेपीएससी और जेएसएससी को और जेक को सुधार लीजिए, नहीं तो अगली बार की जो है कुर्सी तो दूर बात रह गई, कुर्सी का पौआ भी नहीं मिलेगा, जहाँ रहना होगा वहां रहना होगा। सबसे बड़ी बात है भैया कि अच्छा ये एक्सपायर कर रहे हैं, लड़का लोग को गुस्सा जिन ऐसा आएगा कि हथियार उठाना सके, वही उठाना के लिए। अच्छा एक चीज बताइए मनोज, आप छात्र रहे अब नेता हो रहे हैं, तो ऐसा भी चांस है कि कल आपकी जो छात्र राजनीति है हम आपको आगे लेके चले जाए ये सब चीज को लेके, तो जब आप सरकार का हिस्सा होंगे है ना, बहुत लोग हैं जो छात्र राजनीति से आगे बढ़े, तो वहां जाने पर वो क्या जाता है लोगों को,
नहीं नहीं ये गलत बात बोल रहे हैं। ये जो बोले कि छात्र राजनीति के बाद अभी लोग अनपढ़ लोग छात्र जो बोल रहे हैं छात्र राजनीति करते हैं लेकिन पढ़ लिख करके नहीं बनते हैं वो लोग। अब मैं पढ़ करके मैं इंटरव्यू दिया हुआ मैं पीड़ित हूँ मैं उसकी बात को समझूंगा। यहाँ पर जो है सो सब डिग्री ले लेकर के वहां पर छात्र के नाम पर वो राजनीति करने के लिए जाते हैं और आगे करते हैं। अभी बताइए कैसा छात्र थे आप विद्यासागर जो है हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वह जेपीएससी के वो कैसी विद्या रखते हैं उनको ये नहीं मालूम है 280 ज्यादा कि 206 280 वाला पास होना चाहिए कि 206 वाला पास होना चाहिए। क्या इन नेताओं को समझ में नहीं आता जो आप बोल रहे हैं स्टूडेंट की राजनीति करके वहां तक पहुंचे हैं क्या उन नेताओं को समझ में नहीं आता है कि 280 ज्यादा होता है कि 206 ज्यादा होता है। ये लोग आप लोग ढोंग करके ये राजनीति करके हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर वहां पर जाएंगे यहाँ पर तो जितने सचिव है जितने आईएएस हैं ये नेताओं को गदानते तक नहीं है उनकी बातों तक नहीं मानते इसलिए जानता है कि ये सब खेपा मार का है डिग्री खरीदा हुआ है इसीलिए इन लोगों को चला लेते हैं। जिस दिन हम जैसे लोग जाएंगे मैं बता दे रहा हूं अब जब तक ब्यूरोक्रेट और डेमोक्रेट दोनों दिमाग एक साथ नहीं लगेगा तब तक सुधार नहीं होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट हावी हो जा रहा है डेमोक्रेट पर ये लोग पिछड़ जा रहे हैं ये कुछ बात नहीं हो पा रही है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग आंदोलन कर करके अब नेता तो आधे हो ही चुके हैं ज्यादातर सुन लीजिए आप लोग आधा नेता तो हो ही चुके हैं है ना तो कहीं ऐसा होता है क्या कि अब लगता है कि इसमें तो होने रहा है तो अब राजनीति अपना लिया जाए। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि अब सरकारी नौकरी छोड़ो वही बढ़िया लेके रहेंगे नौकरी कैसे छोड़ देंगे आप नौकरी करेंगे या प्रतिनिधि बनेंगे जनता मैं नौकरी करने के बाद मैं बता रहा ऑफिसर बनने आया था बाध्य होकर के नेता बन गया हूँ मजबूरी में मैं नेता बन गया हूँ मैं ऑफिसर बनने आया था। आपको बता रहा हूँ कि यार एक बात मैं भगवान का सूत्र मनाता हूँ कि अच्छा हुआ कि मुझे वहाँ नहीं जाने दिए यही मेहमानों के चलते कम से कम एक अच्छा पढ़ा लिखा लोग जो है वो राजनीति में आए। मैं कभी कभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है सो नेतागिरी करने के लिए आएगा अनपढ़ों से ये चलने वाला नहीं है ऐसी बात हम मैं करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं यही छात्र हैं जो आंदोलन में भी सकारात्मकता देख रहे हैं इनको लगता है कि यही आंदोलन उन्हें आगे विधायक की और सांसद की कुर्सी तक ले जाएगा तो ये इसमें अगर हम थोड़ा सा भी पॉजिटिवनेस अगर देखें तो अच्छा ही है इस आंदोलन से भी नहीं ऐसा नहीं है ये गलत तरीके से क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेता नहीं कर रहे हैं हम लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं जो सही बात है जो संविधान में बना है वो सही बात है उसकी बात कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो आप लॉ की बात करो आप नियम की बात करो अलग अलग परीक्षा में अलग अलग नियम ये सरासर गलत है। आप मनोज जी ने कहा ना कि कोई भी खेल शुरू होता है उसके पहले नियम बनाया जाता है जब हम खेलना शुरू करते हैं बढ़िया खेलना शुरू कर देते हैं तो नियम बदल देते हैं आप ये बीच खेल के बीच में जो आप नियम बदलते हो ये सरासर गलत है। अब जैसे बात बता रहे हैं अब मैच में हो गया कि बहुत ज्यादा जो है सो केवल बाउंड्री के उधर मारेगा तो छक्का लेकिन हम ज्यादा जोर से मारने लगे 200 मीटर का 200-300 तब बोल दिया गया इसको आउट घोषित किया जाएगा क्योंकि लंबा छक्का मारता है ये यही करने लगा है ये जेपीएससी। अगर यदि नंबर लेने के बाद पहले बोला कि आरक्षण नहीं देते हैं तो मैं बोला कि ठीक है आरक्षण नहीं देते नंबर तो मेरा 280 है भैया तब तो पास करो मैं मेरिट में टॉपर हूँ टॉपर भी नहीं पास किया जा रहा आरक्षण दे नहीं रहे हो टॉपर को ले नहीं रहे हो तुम ककरा लेना चाहते हो जो पैसा दिया सो आपको बता रहे पूरे विश्व में जो कंपटीशन होता है वो ऊपर से टॉपर को लिया जाता है झारखंड में नीचे से टॉपर को लिया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग नीचे देता है इसीलिए नीचे से टॉपर को लिया जाता है। आप ही बताए 280 वाला जो फेल है 206 वाला पास है ये कैसी राजनीति है आज ये कैसा संविधान रिजेक्शन है संविधान का हम लोग तो विरोध नहीं कर रहे और संविधान से बड़ा कोई सरकार नहीं सबसे बड़े लोकतंत्र में पहले लोग इसको अत्तर मैं रघुवर जी को कहना चाहता हूँ जनता से बड़ा आप नहीं बोले जनता के सरकार का संविधान इसके बाद उस तंत्र के अंदर आप और जब जनता जाके स्टूडेंट जाके तो वहाँ निश्चित परिवर्तन आरक्षण आंदोलन दिल्ली में कर चुका हूँ और वहाँ परिवर्तन 66 लागू कर 66 रखवाया और क्वालिफाई करवाया और मैं इसमें मैं ठान चुका हूँ जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक झारखंड में ये आंदोलन चलता रहेगा उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए जान भी देना पड़ेगा रुपये को देने के लिए
अच्छा इस कोने को छोड़कर और किसी कोने से कोई कुछ कहना चाहते हैं? जेएसएससी का एग्जाम हुआ था सचिवालय का एग्जाम होने के बाद इनको नियम में तीन चार बार संशोधन करके नियमावली बनाते हैं, तीन बार हम लोग भरे, चार बार भरने के बाद इसका एग्जाम हो गया पीटी का सचिवालय का, होने के बाद डेट क्लियर हुआ एग्जाम का, कोई कारणवश मतलब एक्सटेंड किया गया एग्जाम डेट, उसके बाद दो दिन के बाद पता चला कि एग्जाम को रद्द कर दिया, हमारे बैठ के थे कि फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है सर, उसको सबके हाथ से दिलवा देते हैं और रिजल्ट कैंसिल कर दिए। अंदर से इतना टूट जाते हैं स्टूडेंट, ही बात करने लगता है करना बेकार है। कितनी परीक्षाओं में अब तक आप बैठे थे? तीन चार परीक्षाओं में। कितना का रिजल्ट आया? रिजल्ट अभी तक मतलब एक बार का रिजल्ट क्लियर करती नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट भी जारी करती है। एक बार रिजल्ट आने के बाद जब फाइनल रिजल्ट जारी करती है उसमें कुछ स्टूडेंट का नाम हटा दिया जाता है। पहले तो कर दिया था, एक महीना डेढ़ महीने तक मेरा रिजल्ट आ गया, उसके बाद एक महीने बाद फिर फाइनल रिजल्ट जब आएगी तो उसमें मतलब 20 स्टूडेंट का नाम हटा दिया जाएगा। मतलब पैसे के ये सब हेल्प कर रहे हैं, ये सचिवालय वाला तो हुआ तो पूरी तरह से मतलब रद्द कर दिया गया। नियमावली आप पहले बनाया था आपको समझ आ, नियमावली बनाते हैं ये बाद में आपको। घर में कौन कौन है? माँ है, बोली पिताजी है, भाई है। तो घर कैसे चलता है? मतलब पिताजी गाड़ी चलाते हैं। तो आपकी शिक्षा में भी गाड़ी चलाते हैं तो बहुत मुश्किल से आप पढ़ के आगे आए होंगे, है ना? तो फिर आप जब आप सरकारी नौकरी का सोच रहे हैं तो और इस तरह की चीजें देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? अंदर से बहुत तकलीफ लगता है, फिर सोचते हैं कि क्या करें, नहीं समझ में आता है। फिर भी मजबूरी है कि मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, कि मतलब घर वाले के लिए कुछ करें। ये सचिवालय में रद्द कर दिया तो उस समय हम पूरे छूट गए थे, आपको लगता है क्या? क्योंकि मैं तबियत भी मेरी खराब रही इस वजह से, कि मतलब इस टाइप के मतलब आदमी का जो एक हौसला होता है, हम लोग पूरी तरह से टूट गए थे कि मतलब निकाल लेंगे और अच्छे चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ अच्छे जगह कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो यहाँ थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड यूनिवर्सिटी देने वाली है, अभी जिला पुलिस के सब करना पड़ेगा, सचिवालय से तो बात ही नहीं। मतलब एक अच्छा जो है कि जो चीज काबिल है उसको काबिल बनाने छोड़ के ये थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में नौकरी दे रही है कि बाद में बाहरी में बुलाया जाएगा वो अच्छे जेपीएससी के लिए। छात्र का टूट जाना भविष्य का टूट जाने जैसा है। अगर कोई छात्र ये कह देता है कि वो टूट रहा है, इसका मतलब है कि हमारा भविष्य टूट रहा है। और कोई अपना अनुभव बता सकते हैं क्या? आप लोग आंदोलन के लिए पर्ची लेकर आ गए, है ना? और कोई कुछ कहना चाहते हैं बताइए। इतना भी पूरा उतर गया है जब से ये सरकार आई है, पता नहीं क्या इनकी मंशा है। जब भी ये तीन साल लगभग घूमने चला, एक भी नियुक्ति 2016 को घोषित की नियुक्ति पर कितनी नियुक्ति बटी है? अगर हाल में आप लोग पेपर में देखे होंगे, पिछले बार जिसका नियुक्ति हो चुका है उन्हीं के हाथ से पीएम को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। क्या यही हुआ? पीएम को धोखा दिया जा रहा है। एक काम किया घोषित कीजिए, उसके बाद जब भी 90 से जिनका नियुक्ति हुआ है सबको दिलवाइए, अभी नया नियुक्ति बताइए, एग्जाम लीजिए कैंसिल कीजिए, एग्जाम लीजिए कोर्ट भेजिए। मतलब हम लोग नेता तो बने गए हैं। देखिए भविष्य में तो अच्छा है, तो एक तरह से ये भी हम लोग स्टूडेंट को फायदा है कि बेरोजगारी से तो अभी परेशान है, परेशान होकर के लास्टली आदमी कहाँ जाएगा? आंदोलन कर करके जो सीखेगा नेता ही बनेगा, फिर आप ही लोग कंपटीशन देंगे। इंतजार कर लीजिए, आ ही रहे हैं। चलिए बस अब हमारे भाई लोग हैं, अब कल का इंतजार कीजिए, कल प्रदर्शन देखिए। ये हम लोग का बस कोई नेता बनने का नहीं है, ऐसे ही मैंने बोला, अभी कोई ऐसा मनता नहीं है कि नेता बने, लेकिन मजबूर बस हम लोग को ये करना पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इतना धूप में, और ऊपर से लाठी खाइए। क्या पढ़ लिख करके हम लोग स्कूल में ही सिखाया गया था ये लाठी खाने के लिए? वहाँ पढ़ाई करने के लिए सिखाया गया, पीठ मजबूत करना नहीं सिखाया गया। अच्छा कितने लोग हैं जिनको घर का खाना याद आता है? बहुत दिन से घर नहीं। सारे लोग होंगे, बहुत लोग हैं। अरे आप आंदोलन कीजिए ना, जेपीएससी को लेकर लड़ाई कीजिए, तो मनोज जी को फर्जी केस कर दिया गया, अजय को फर्जी केस कर दिया गया, है ना?
ये जितने भी स्टूडेंट है सब पढ़ने वाले हैं, सब पे फर्जी केस करके फंसा दिया जा रहा है। दबाने के लिए इनका क्या गलती था, इनका क्या गलती था? हक का लड़ाई लड़े, मारा गया, फर्जी केस गया, रात में रात थाना में रखा गया, क्या गलती है मनोज जी का या किसी का क्या गलती है? इतना छात्र जो है हम लोग क्या गलती है? हम लोग जो अपना लड़ाई को लड़ेंगे, हम लोग को लड़ाई भी नहीं, अंग्रेज से भी बदतर सरकार है ये, अंग्रेज से भी, अंग्रेज में तो कम से कम वो सुन लेता था, लेकिन तो सुनता भी नहीं है, तो सुनने का ये काम भी नहीं करता। जैसे विद्या बालन से आगे मिलते हैं, अभी ये सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि विद्या बालन से मिलेंगे, उनको 50 लाख रुपए देंगे। अरे उनको क्या 50 लाख, उनके पास बहुत पैसा है, कुछ करना है तो हम बेरोजगारों के लिए कीजिए। आप विद्या बालन को डेली मिलने हैं, कभी जाके शिल्पा सेठी से मिलिए, अमीषा पटेल से मिलिए, देश विदेश घूमिए। ये झारखंड के छात्रों का कष्ट आपको नहीं दिख रहा है? आपके बेटे तो आराम से टाटा में नौकरी कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम इसी तरह क्या जिंदगी भर बेरोजगार रह जाएंगे? और आप गोली चलवाते हैं हमारे लोग से, हमें ऊपर गोली चलवाते हैं, क्या हम लोग को भी? आप बोलते हैं नक्सलवादी मुख्य धारा में आओ, और जो मुख्य धारा में है उसको नक्सलवादी बनाओ, यही काम बच गया है ना। हम लोग अब नक्सली बने और फिर क्या? देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अभी कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फायदा तो कुछ नहीं मिल रहा है। कम से कम नक्सली बनेंगे तो सरेंडर करेंगे तो 5 लाख रुपया भी तो मिलेगा, 6 लाख रुपया भी तो मिलेगा। आप यही करना चाहते हैं, मतलब कि पहले नक्सली बना के हम खुद अपने पुलिस अपने जवान जो यहाँ के झारखंड अभी खुद ही अभी देखे होंगे थाना प्रभारी था, उनकी हत्या हुई। वो क्या जो नक्सली है वो क्या उनको टारगेट करके नहीं बनाए, क्योंकि वो सरकार के साथ थे, अपना ड्यूटी निभा रहे थे, इसलिए उनको मारा गया। वो जो PLFI जो है वो मारने से पहले एक बार वो भी सोचे, कम से कम वो भी तो शुरुआत से बचपन से वो तो सोचे नहीं होंगे कि हमको उग्रवादी बनना है। अभी आप जैसे अभी एडमिशन दो लड़कियों के एडमिशन कराया गया कस्तूरबा छात्रावास में, उनको उग्रवादी मांग रहे थे। तो ये ठीक है, ये पेपर वाले न्यूज़पेपर आप लोग जो ये बात उठाए तब मीडिया वाले उठाए तब वो वहां पहुंच पाई, अगर नहीं तो वो भी जाती नक्सली पास, फिर उसका वही होता, यौन शोषण यही होता देश में, पूरा देश के झारखंड में स्पेशली यही हो रहा है। क्यों झारखंड में नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है, इस पे आप सोचिए। आपका कोई भी मंत्री किसी का, जैसे कृषि सचिव जो भी थे वो मंत्री का नहीं सुनते हैं, शिक्षा सचिव वो भी मंत्री का नहीं सुनते हैं। तो आप लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे कष्टों को देखना आपका काम है। आप घूमने जा रहे हैं, आप डेली तो हेलीकॉप्टर उड़ा के पहुंच जाते हैं जमशेदपुर, तो आप जमशेदपुर में ही रहिए ना, आप क्यों आने जा रहे हैं? आप जो से बूचड़खाना के नाम बंद करने का नाम पे आप बना दिए, कुकर में जाए कांके जाइए, सब मुर्गा कटवाने कांके, तो आप दुमका पलामू में कर देते हैं, सब लोग 1 किलो मुर्गा लेने के लिए दुमका जाते हैं, यहाँ क्यों रहते हैं? तो आपको कुछ भी नियम नीति, गर्मी आ रहा है तो पानी जो कम करना है उसके खिलाफ आप कर रहे हैं, ये सब अभी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, ये सब कुछ नियम स्पष्ट कीजिए। और हमारा जो एग्जाम में हम ज्यादा नंबर लाए हैं, आप जैसे आपको नहीं देना था आरक्षण, ठीक है, तो आप जब स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट निकला था उसमें आपको बोलना था कि हम आपको आरक्षण नहीं देंगे, तो हम लोग ठीक है उसके अनुसार हम लोग बढ़ते कि आप प्रीलिम्स में नहीं देंगे मेंस में देंगे, आप वहां पे भरा हुआ लिखा रहता है कि प्रीलिम्स में नहीं देंगे मेंस में, तो हम लोग प्रीलिम्स में नहीं भरते। आप वहां पे ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं किए, और जब रिजल्ट आया तो आप बोलेंगे कि प्रीलिम्स में नहीं देंगे। और वैसे भी आपका तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी गलत है, आप जो रिजल्ट निकाले हैं संशोधन करवाते हैं, और क्या है संशोधन में आप एक्सपर्ट कमेटी बैठाते हैं, अरे कौन सा एक्सपर्ट है, कौन सा एक्सपर्ट? हम लोग साथ भी बैठाइए, हम लोग भी मिलते हैं, कौन सा एक्सपर्ट? वही झोला छाप BED, वही जो आपका एक्सपर्ट जो आपसे मिले वही एक्सपर्ट है। अभी भी वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन गलत है, जैसे यूपी में क्वेश्चन गलत होने के आधार पे ही हाईकोर्ट उसको रिजल्ट को फिर संशोधन करने बोला, हम तो उसको मांग भी नहीं कर रहे हैं, हम तो मेरा तो ज्यादा नंबर आया, आप जो क्वेश्चन गलत बनाया है उसमें तो मेरा नंबर और गया, अगर उसमें दीजिएगा तो हो सकता है तो हम लोग तो टॉपर कर जाएंगे, जितने लोग बैठे थे वो टॉप कर जाएंगे, फिर आप कहां मुंह दिखाइएगा। आपको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अभी हम लोग बोल रहे हैं, नहीं तो फिर आंदोलन और आगे बढ़ेगा, हम लोग आंदोलनरत ही रहेंगे, और हम लोग अभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे गांधी जी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं तो गांधी जी को भी लास्ट में बोलना पड़ा था करो या मरो 1942 में, उनको भी ऐसा करना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंत में अहिंसा से, वो भी हिंसा कुछ हद तक हिंसा अपनाए थे, वैसे हम लोग को भी हिंसा अपनाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वैसा नहीं चाहते, हम लोग यहाँ अधिकारी बनने आए हैं, माता पिता बहुत मुश्किल से हम लोग को पढ़ाए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इधर भी बात सुन लीजिए, सिर्फ विद्या बालन के साथ लंच करने से नहीं। हम लोग को करो या मरो नहीं, हम लोग करोगे तो मारेंगे, तो मारा गोली मारा डंडा। मनोज जी ठीक बोलता है कि हम लिखेंगे कुतुब मीनार दिल्ली में है,
अब मनोज झा की बेटी लिखी कुतुब मीनार बम्बई में है तो मनोज झा का बेटी पास हो जाती है। निधि करे से खरे से मिलने गए ये लोग तो निधि खरे बोलती है कि आप लोग का डीएसपी बनना जरूरी है, पुलिस में जेपीएससी का परीक्षा देना जरूरी है, आप लोग चपरासी का नौकरी कीजिए, शराब के लिए सिपाही के लिए दौड़िए। पदाधिकारियों की जो हम लोगों के पास में जो व्यवहार होता है, सबसे बड़ी बात है कि ये आंदोलन पिछले 1.5 महीना से 1 महीना से चल रहा है। इसके दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है, जो हम लोगों के लिए बने हैं, झारखंड के लिए बने हैं, वो दुनिया के बहुत सारे आदमी लोगों से, यहाँ पर ग्लोबल सबमिट हुआ, दिस दैट हुआ, तो बहुत लोगों से मिल चुके हैं। लेकिन मेरा 24 फरवरी को हम लोगों का रिजल्ट आया, तब से हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को जो है सो आज तक हम लोगों से मिलने का समय नहीं मिलता है। एक दिन मिले भी तो उस दिन बोले मेरिट कैसे दबाया जाएगा, इतना बोल लिए, उसके बाद में जाकर के पूरे अधिकारी लोग बोला चुप, आगे ज्यादा बोलिएगा मेरिट वाला है, उस दल से मुख्यमंत्री चुप हो गए। ये कैसे मुख्यमंत्री है, एक जोगी जी है जो कि फरमान जारी करते हैं बच्चों के लिए ऐसा पढ़ाई कर देंगे, ऐसे कर देंगे, अरे एक दूसरे रघुबर है, ये जो है दारू बेचने का काम कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं सरकार जो होती है, जहाँ दुनिया तो बंद हो रही है वहां पर ये चीज सब अनहोनी वाला काम कर रहे हैं। ये सीधा बात बता रहे हैं कि ये सरकार से बहुत उम्मीद किए थे, ये सबको बोला फूल को दो फूल बहुमत, हम लोगों ने फूल को दे दिया फूल बहुमत, और फूल जो है इतना फूल गया कि अब हम ही लोगों को फूल बनाना शुरू कर दिया। इसलिए अब हम बोल रहे हैं कि हमको फूल नहीं बनाइए, नहीं तो अगला बार के फूल नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों का मार्क्स ज्यादा है और इतिहास के साथ नागरिक साथ समाप्त किया जाए, दो स्थानीय नीति नहीं चलेगी, ये तीन चीज हमारा बात को मान लीजिए, हम लोग स्वतः आंदोलन समाप्त कर देंगे, और नहीं तो किसी भी हद तक जाएंगे। लाठी और गोली तो चला चुके हैं, लाठी जो है सो हम लोग शांतिपूर्ण जेपीएससी के पास बैठे हुए थे और लाठी भी चलाया, पानी भी चलाया, पैर तोड़ दिया मार करके, ऊपर से केसो लाद दिया मेरे ऊपर, जब कैसे लादना होगा तो यहाँ का लदवाएंगे, जा करके उग्रवादी बन कर लदवाएंगे। ये जो है हम लोगों को सरकार बाध्य कर रही है कि हम लोग कुछ गलत करें। मैं अधिकारी बनने आया हूँ, मुख्य धारा में शामिल होने आया हूँ, और मैं भी सरकार का अंग बनकर ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहता हूँ। मेरा नंबर ज्यादा, मैंने ईमानदारी से पढ़ा है, इसलिए कम से कम मेरिट को नहीं दबाया जाए। मैं आग्रह करता हूँ जो ज्यादा नंबर लाए हैं उनको पास किया जाए, इतिहास को नागरिक शास्त्र से नहीं जोड़ा जाए, इन सब सारी चीजों को लेकर के हमारा आंदोलन, और जो 13 जिला 11 जिला में झारखंड को विभाजित नहीं किया जाए, और नहीं तो 13 जिला के ठीक रहेंगे मुख्यमंत्री वो, और 11 जिला जो 11 जो है अलग रहने का 11 जिला का गरीब। PrabhatKhabar.com ने कोशिश की छात्रों की आवाज आप तक पहुंचाने की, इनकी आवाज को और बल देने की, हालांकि अभी इनकी लड़ाई अधूरी है और ये आगे भी आंदोलन कर रहे हैं। हम न्यूज रूम से बाहर निकल कर एक बार आपके पास इसलिए आए थे कि हम इनकी आवाज आप तक पहुंचा सकें, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आगे भी इसी तरह लाइव फेसबुक करते रहेंगे। और हमने इसमें कोई सवाल आया हो तो आप बताइए, किसी का कोई सवाल हो, हैशटैग के साथ किसी ने कम किया हो या कुछ। ठीक है, नमस्कार, मैं पंकज कुमार पाठक आपसे विदा लेता हूँ, आगे भी हम फेसबुक लाइव करेंगे।